हेलो भाई, कैसे हो आप सब। मैं हूँ प्रियांश भाई। आज हम एक ऐसी गाड़ी के अंदर बैठे हुए भाई, बहुत ही ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है। बिकॉज आज के टाइम में जो लोग भाई क्रेटा ले रहे हैं, होंडा एलिवेट ले रहे हैं, बट भाई एक ऐसा भी ब्रांड है जिसको भाई बहुत ज्यादा पसंद करते हैं आज के टाइम में लोग, क्योंकि भाई इस गाड़ी में भाई आपको काफी सारे कमाल के फीचर्स मिल जाते हैं और गाड़ी की जो बिल्ड क्वालिटी आपको काफी अच्छी सी मिल जाती है। चाबी यहाँ पर आप देख के समझ जाएंगे भाई ये कौन सी गाड़ी है, क्योंकि यहाँ पर आपको साइड में मिल रहे हैं बटन। भाई ये है भाई किया, और हम बैठे किया की सेल्टॉस के अंदर, जो कि आज के टाइम में 10,90,000 रुपए एक शोरूम से हो जाती है भाई स्टार्ट। और ये जो इसका वेरिएंट है भाई है वेली टॉप, जो कि आप यहाँ पर सामने देख सकते हो भाई। यहाँ पर आपको 10.25 इंचेस का टच स्क्रीन, उसी के साथ में आपको यहाँ पर कनेक्टेड मिल रहा है 10.25 इंचेस का डिजिटल क्लस्टर। तो ये जो थीम वगैरह आपको यहाँ पर अंदर गाड़ी में दी जा रही है बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है देखने में, और इसका कैबिन वगैरह आपको बहुत बढ़िया सा फील कराने वाला है। ये बिल्कुल टॉप रेंट है, तो इसमें आपको यहाँ पर एडास वगैरह भी ऑफर किया जा रहा है। बाकी यहाँ पर आप इसका सेंटर कंसोल वगैरह देख सकते हैं, बहुत ही प्रीमियम सा आपको देखने मिल जाता है। और बोथ साइड आपको यहाँ पर वेंटिलेटेड सीट्स मिलेंगे, जो कि आप भाई यहाँ पर देख सकते हो। मतलब दोनों ही सीट्स में आपको भाई यहाँ पर हवा मिलने वाली है, तो गर्मी के माहौल में या ठंड में आपको किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी। तो ये जो पूरा अंदर से गाड़ी के अंदर इतना ज़्यादा ग्लॉसी ब्लैक फिनिश दिया जा रहा है, जो कि आप भाई यहाँ पर चेकआउट करो एंड यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हो। बाकी यहाँ पर सिल्वर फिनिश दी जा रही, बहुत ही प्रीमियम सा आपको फील कराएगा। और चाबी से ही आपको यहाँ पर ऐसा फील होगा, क्योंकि भाई देखो नॉर्मल कार्स में जो चाबी वगैरह आपको मिलती है सिंपल सी रहती है भाई, उसमें मज़ा नहीं आता है। लेकिन यहाँ पर आपको साइड में जो बटन्स दिए जा रहे हैं, मतलब किया की चाबी पकड़ने में ही फील आता है कि भाई बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम है। बाकी यहाँ पर आपको सारे बटन्स देखने को मिल जाते हैं। तो चलो आज हम शुरुआत करते हैं भाई अंदर के कैबिन से। तो हर वीडियो में हम लोग बाहर से शुरुआत करते हैं भाई, आज कुछ करेंगे नया, शुरुआत करते हैं भाई अंदर से, करते हैं भाई इसके इग्निशन को ऑन। तो भाई यहाँ पर आपको मिल रही है कीलेस एंट्री, और यहाँ पर आप चेकआउट करोगे कि आपको मिल जाता है इसका इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन। ये मैंने भाई इसको किया प्रेस, और आप यहाँ पर चेक कर सकते हो गाड़ी का जो टच इन्फोटेनमेंट सिस्टम है ये हो चुका है ऑन। देन आप जब दोबारा से इसको करेंगे प्रेस, तो आपका भाई ये हो चुका है क्लस्टर भी ऑन। तो यहाँ पर आपको भाई 10.25 इंचेस का फुली डिजिटल मिल जाता है क्लस्टर, जिसमें कि आप यहाँ पर चेक करोगे भाई यहाँ पर आपको दिया गया है स्पीडोमीटर, जो कि जिसकी एनिमेशन आप यहाँ पर चेक कर सकते हो कि जो ऊपर सेगमेंट की कार आती है महंगी भाई, वहाँ पर आपको पूरा इस तरह का थीम मिलता है। बाकी अगर आप इसको चेंज वगैरह करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर स्टीयरिंग पे ही सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं, जो कि आप यहाँ से अपनी MID को कर सकते हो चेंज। तो यहाँ से आपको मिलता है भाई इस तरह से कुछ ट्रिप ए, देन यहाँ पर आपको ट्रिप बी मिल जाता है। इसी के बाद आप यहाँ पर दोबारा से एवरेज वगैरह भी पूरी चेक इसकी कर सकते हो। बाकी रेंज वगैरह आप देखना चाहते हो तो आपको यहाँ पर नीचे शो करता है, उसी के साथ यहाँ पर आपको ऑटो होल्ड का मिल जाता है आइकन। बाकी यहाँ पर आपको सारी चेक लाइट्स वगैरह मिल जाती हैं। गाड़ी अभी लगी हुई पार्क पे, तो यहाँ पर आपको पी शो कर रहा है। बाकी आप यहाँ से जब इसको चेंज करोगे तो यहाँ पर भी चेंज हो जाएगा। और ये भाई इसका ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, तो यहाँ पर आपको भाई मिल जाते हैं पैडल शिफ्टर्स, तो उसके जरिए भी आप आराम से इसको चला सकते हो। अगर इसके स्टीयरिंग की बात की जाए तो देखो नॉर्मल सा किया वाला ही स्टीयरिंग आपको मिल रहा है, बट भाई इसकी जो ग्रिप है इस वेरिएंट के साथ, क्योंकि यहाँ पर आपको पूरा लेदर रैप मिलता है, तो उसकी ग्रिप भाई बहुत अच्छी है, आपको चलाने में भाई बहुत बढ़िया सा फील आएगा। बाकी यहाँ पर आपको किया का लोगो। इस गाड़ी में भाई स्टैंडर्ड आपको 6 एयरबैग्स मिलते हैं, तो यहाँ पर 1-2, बाकी पिलर्स पर आपको साइड में 2 मिल जाते हैं, बाकी फ्रंट की सीटिंग में दिए गए हैं। अगर स्टीयरिंग पे कंट्रोल्स की बात की जाए तो उससे पहले आप यहाँ पर नीचे देख लो, आपको GT लाइन की यहाँ पर मिल जाती है बैजिंग। सिल्वर फिनिश में आपको यहाँ पर भी फिनिशिंग दी गई है, जो कि आपको काफ़ी प्रीमियम सा फील कराएगी। यहाँ पर आपको मल्टीमीडिया और टेलीफोनिक के सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं, और यहाँ पर आपको मिलते हैं एडास और MID के सारे कंट्रोल, जो कि आप यहाँ से पूरा कर सकते हो चेंज। स्टीयरिंग के पीछे नॉर्मल से वाइप, यहाँ पर वाइपर के कंट्रोल्स ऑटोमेटिक आपको मिलते हैं, साथ में आपको ऑटोमेटिक मिल जाते हैं हेडलैम्प के सारे कंट्रोल्स। स्टीयरिंग देखो एडजस्टमेंट की अगर बात की जाए तो भाई पकड़ना ज़रा, देखो यहाँ पर आपको मिल रहा है लीवर, ये मैंने इसको किया अनलॉक। अब भाई इसको आप ऊपर नीचे कर सकते हो, आगे पीछे भी कर सकते हो, मतलब टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों ही तरह से ये एडजस्ट हो जाता है, तो ये फीचर भाई बहुत अच्छा है। अगर आपकी हाइट ज़्यादा है या छोटी है तो आप इसको अपने हिसाब से आराम से एडजस्ट कर सकते हो। बाकी यहाँ पर भाई ये जो सीट आपको मिल रही है फ्रंट की ड्राइविंग सीट वाली, भाई ये देखो बिना मेहनत किए देखो सीट आगे जा रही है, ये देखो पीछे जा रही है। अगर आपको रिक्लाइन करनी है रिक्लाइन होगी, पर थोड़ा सा यहाँ पर लेट होगा अगर आप मैनुअली के जरिए यहाँ पर देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको 6-way एडजस्टेबल इलेक्ट्रॉनिक सीट्स मिलती हैं ये ड्राइवर वाली। अब बात करते हैं भाई इसके सेंटर कंसोल की, तो देखो यहाँ पर आपको मिलता है 10.25 इंचेस का टच इन्फोटेनमेंट सिस्टम, जिसके अंदर भाई यहाँ पर आपको ये देख पा रहे हो क्या इसकी प्यारी सी भाई टच रिस्पॉन्स है, मतलब बहुत प्यारा है। और गाड़ी में भाई कैसा आता है, थोड़ा सा लैग करता है, हैंग करता है, भाई कुछ नहीं, इतना प्यारा से वर्क करता है, कोई भी दिक्कत नहीं है। बाकी यहाँ पर आपको मैप मिल जाता है, नेविगेशन, फ़ोन प्रोजेक्शन, वॉइस मेन्यू, क्लाइमेट, वैलेट मोड,
क्वाइट मोड, साउंड मोड, लैम्प, रेडियो, मीडिया सेटिंग्स। तो इस टॉप रेनो भाई आता है किया कनेक्ट, जिसके अंदर भाई यहाँ पर आपको मिलता है शेयर डेस्टिनेशन, कैलेंडर, वेदर, स्पोर्ट्स, व्हीकल, डायग्नोस्टिक, किया कनेक्ट की सेटिंग। मतलब यहाँ पर इस गाड़ी की जो लोकेशन है आप किसी दूसरे को भेज सकते हो, उसी के साथ यहाँ पर आप इस गाड़ी की लाइव लोकेशन को भी ट्रैक कर सकते हो। मतलब फीचर्स आपको इस गाड़ी में बहुत सारे मिल जाते हैं। अगर यहाँ पर कैमरे की बात की जाए तो इस गाड़ी में आते हैं भाई 360 कैमरा। तो भाई कैमरे की क्वालिटी कैसी है और चेक करते हैं। तो ये मैंने ब्रेक को प्रेस किया और लगाते हैं भाई इसके रिवर्स गियर को। तो देखो ये कुछ आपको यहाँ पर पूरी क्वालिटी मिल जाती है, जिसमें आप इसके बैक कैमरे को यहाँ से पूरा चेकआउट कर सकते हो, और उसी के साथ ये देखो इसका पूरा 360 व्यू। बाकी अगर आपको यहाँ से चेंज करना है तो ये मैंने देखो इसको यहाँ से चेंज कर दिया। अब मैं यहाँ से इसके दोनों लेफ्ट साइड के चेक कर सकता हूँ। उसी के साथ सारे ही कैमरेस आपको यहाँ पर मिल जाते हैं देखने के लिए। इसको करते हैं होम पे। बाकी नीचे की तरफ आएंगे तो दो एसी के वेंट्स आपको मिल जाते हैं, जिसमें आपको मिलती है सिल्वर फिनिश। यहाँ पर आपको एसी लाइट का बटन मिलता है, जिसको आप यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो। यहाँ पर आपको देखो ड्यूअल जोन एसी मिल रहा है। इसका मतलब क्या है भाई, थोड़ा पीछे लेना, देखो ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया है। यहाँ से आप इस साइड के एसी को कंट्रोल कर सकते हो और यहाँ से आप इस साइड के एसी को कंट्रोल कर सकते हो। अगर आपके कोई बगल में बंदा बैठा है उसको भाई ठंडी लग रही है तो वो अपने हिसाब से एसी को एडजस्ट कर सकता है, बंद भी कर सकता है। और इधर वाले को अगर गर्मी लग रही है तो वो भाई इधर वाले को आराम से कर सकता है एडजस्ट। बाकी सारे कंट्रोल्स वगैरह आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। फैन की स्पीड को तेज़ करना है, यहाँ से आप टेम्परेचर कर सकते हो एडजस्ट। एसी ऑन ऑफ यहाँ से आप कर सकते हो। बाकी नीचे भी आपको जो ये बटन्स मिल रहे हैं, ये बटन भाई एसी के नहीं है, ये बटन है भाई इस टच इंफोटेनमेंट सिस्टम के, क्योंकि यहाँ पर आपको सेटअप, मीडिया, रेडियो और नेविगेशन, मैप वगैरह के सारे बटन्स मिल जाते हैं। बाकी यहाँ से आप वॉल्यूम को तेज़ कर सकते हो, यहाँ से आप इसके चेंज कर सकते हो मोड को। बाकी इसी के नीचे आपको भाई यहाँ पर दिया गया है वायरलेस चार्जर, बट आपको यहाँ पर नीचे नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको यहाँ पर बीच में फ़ोन रखना पड़ेगा इस तरह से, तब भाई आपका फ़ोन जो है यहाँ पर चार्ज होने लग जाएगा। अगर आपके पास आईफोन है, देखो यहाँ पर चार्ज हो रहा है। तो थोड़ा सा दिक्कत है कि भाई यहाँ के बजाय थोड़ा अंदर दिया गया, बट एक चीज़ अच्छी है कि यहाँ पर आपका फ़ोन अगर रखा रहेगा ना तो सिक्योर रहेगा प्रॉपरली। यहाँ पर अगर कोई एकदम से कोई बंदा है तो वहाँ बाहर से देख नहीं पाएगा कि आप फ़ोन यहाँ पर आपका रखा हुआ है। बाकी यहाँ पर भी आप रख सकते हो कुछ भी सामान वगैरह, चाबी रख सकते हो अपनी। चार्जिंग पोर्ट्स की अगर बात की जाए तो नीचे आप यहाँ पर देखोगे मिलता है आपको 12 वॉट का, यहाँ पर आपको यूएसबी दिया गया है, उसके साथ टाइप सी भी मिलता है। तो तीनों ही चार्जिंग पोर्ट्स आपको मिल जाते हैं, तो काफ़ी आराम आपको रहेगी ट्रैवल के टाइम। बाकी इसी के नीचे आप यहाँ पर आएंगे तो देखो ये बहुत प्रीमियम आपको मिल रहा है भाई। प्राइस पॉइंट की अगर देखा जाए, देखो इस तरह से आप यहाँ पर पकड़ भी सकते हो, ग्रैब हैंडल आपको मिल रहा है, ये भाई पूरा पार्ट आपको मिलता है ग्लॉसी। आप पास से देखो भाई कितना प्रीमियम है। अगर पैसे आपने खर्च किए ना 20 लाख रुपए एक शोरूम, तो भाई आपको पूरे वसूल होने वाले हैं, क्योंकि भाई यहाँ पर पूरी सिल्वर फिनिश है, यहाँ पर भी सिल्वर फिनिश है, ये पार्ट पूरा है ग्लॉसी, तो बहुत ही ज़्यादा भाई प्रीमियम लग रहा है देखने में। ये इसका ऑटोमेटिक का ट्रांसमिशन है, तो यहाँ पर आपको पार्क, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव चारों मोड्स आपको मिल जाते हैं। बाकी आप इसको मैनुअली भी चला सकते हैं इस पैडल शिफ्टर्स के जरिए। बाकी यहाँ पर आपको भाई ड्राइविंग के मोड्स मिल जाते हैं जो आप कर सकते हो चेंज, उसी के साथ आपको इसी में मिलता है ट्रैक्शन कंट्रोल। ड्राइविंग के मोड्स चेंज कैसे करने हैं, तो ये देखो मैंने चेंज किया। अब यहाँ पर देखो इसका क्लस्टर, देखो भाई थीम पूरी चेंज हो गई स्पोर्ट मोड लगते ही। अब देखो इको लगाया, इको मोड की तरह थीम आ गई, नॉर्मल लगाया और मोड की तरह थीम आ गई। तो ये क्लस्टर आपको भाई बहुत बढ़िया लगेगा, जब गाड़ी को ड्राइव करोगे तो इसके जब आरपीएम उठेंगे, स्पीड का जो ये मीटर तब उठेगा, तो इसकी एनिमेशन हिसाब से बहुत अच्छा सा यहाँ पर दिया गया है। बाकी यहाँ पर आपको मिलते हैं भाई वेंटिलेटेड सीट, जो मैंने आपको बताया, देखो लेफ्ट साइड वाली यहाँ से ऑन ऑफ होगी, ये मैंने भाई ऑन कर दिया। देखो भाई हवा आ रही है, बताओ मुझे। ये देखो भाई इसकी पन्नी उठने लग गई। अब मैं इधर साइड का ऑन करूँगा, देखो यहाँ का भी भाई ऑन हो गया, फूलने लगी, ये देखो पन्नी फूलने लगी। तो गर्मी के टाइम या किसी भी तरह का मौसम है, ठंडी गर्मी, तो आप आराम से इसको एडजस्ट कर सकते हो, तो ये भाई चीज़ बहुत अच्छी है। फ्रंट पार्किंग सेंसर्स भी आते हैं इसमें, तो यहाँ पर आपको मिलते हैं, आप ऑन ऑफ़ भी कर सकते हो। अगर आप किसी भीड़ भाड़ इलाकों में फंस गए हो जाम में, तो आप इसको बंद कर सकते हो, वरना भाई जाम में आपका सर दर्द हो जाएगा। 360 कैमरा आपको ऑन करना है तो यहाँ से आप कर सकते हो ऑन। बाकी यहाँ पर भी आपको अच्छा खासा स्पेस मिलता है, और ये मैटी ब्लैक तो है ही, उसी के साथ पास में आप देखोगे ये भी आपको मिलता है भाई प्रीमियम ग्लॉसी ब्लैक मिल रहा है। सेपरेट स्पेस तो मिलता ही है, ये देखो आप यहाँ पर आप पूरा फ़ोन रखो, कुछ भी सामान रखो। अगर आपको कप होल्डर की तरह यूज़ करना है तो भाई अलग से दिया गया है, इस तरह से आप लगा के कप होल्डर बना सकते हो। अगर चाहो तो इसको ऐसे प्रॉपर यूज़ कर सकते हो, मतलब दोनों तरह से दिया गया है, काफ़ी अच्छा सा है। और दूसरी चीज़, आपने मोबाइल यहाँ पर रखा, पर्स रखा, कुछ भी रखा, आपने चुपचाप कर दिया बंद, अब भाई चोरी कैसे होगा, होगा ही नहीं, प्रॉपर हो चुका है बंद, कैसे दिखेगा आदमी को। तो ये चीज़ें भाई बहुत अच्छी सी, यहाँ भी आपको भाई सिल्वर फिनिश मिल रही है, मतलब एक एक चीज़ आप चेक करोगे बहुत प्रीमियम से आपको मिल जाती है।
बाकी ऑटो होल्ड का बटन है यहाँ पर, आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक्स मिल जाते हैं जो कि आपको मिलने वाला है ग्लॉसी ब्लैक में, और बीच का बार भाई क्रोम है, ये क्रोम है, यहाँ पर ग्लॉसी ब्लैक आपको मिल रहा है। यहाँ पर भी आपको सेपरेट स्पेस मिल जाता है जिसमें आप यहाँ पर इस तरह से मोबाइल वगैरह भी रख सकते हो, और यहाँ पर चुपचाप ऐसे तो नहीं जाएगा बट ऐसे आप रख सकते हो। ये देखो इसका फ्रंट आर्मरेस्ट जो कि भाई पूरा लेदर रैप है, और आराम से आप ऐसे हाथ रख के इसको आराम से चला सकते हो, किसी भी तरह की दिक्कत आपको नहीं होगी। और दूसरी चीज़ भाई इसके अंदर भी आपको भाई मिल रहा है सेपरेट स्पेस, ये देखो वॉलेट रखो, कुछ भी सामान रखो, आपका बिल्कुल सिक्योर रहेगा, किसी भी तरह की चोरी का खतरा आपको नहीं रहेगा। और भाई इसी में पीछे आपको मिल रहा है यहाँ पर प्योरीफायर, ये देखो मैंने इसको ऑन किया, ये देखो इसका प्योरीफायर ऑन हो गया। आप इसके मोड को आप चेंज कर सकते हो, तेज़ धीम कर सकते हो, स्पीड वगैरह को। तो मतलब इस टॉप मॉडल में आपको किसी भी तरह के फीचर की कमी नहीं मिलेगी, मतलब सारी चीज़ें हैं भाई, पैरानोमिक सनरूफ हो गया, मतलब सारी चीज़ें आपको। पर अगर आपके पास भाई इतना बजट नहीं है तो भाई आप किया सेल्टॉस को 10,90,000 रुपये एक्स शोरूम यानी कि बेस फ्रेंड से भी परचेस कर सकते हैं, उसमें भी आपको लगभग कमाल के फीचर्स मिल जाते हैं। चलो आप शुरुआत करते हैं भाई इसकी फ्रंट से। उससे पहले मैं आपको बता दूं भाई ये किया सेल्टॉस का GTX प्लस डीजल ऑटोमेटिक वेरिएंट है, कॉस्ट आपको करता है 20 लाख रुपए एक्स शोरूम, और प्रो प्राइस को जानने के लिए आपको वीडियो के अंत तक बने रहना पड़ेगा। तो अगर फ्रंट में सबसे पहले बात की जाए गाड़ी के डायमेंशंस की, तो देखो स्क्रीन पे आपको ओवरऑल यहाँ पर दिख जाएगी इसकी लेंथ, विथ और हाइट, जिससे आप पता कर सकते हो ओवरऑल इसकी डायमेंशंस। देखो सबसे पहले आपको बता दूँ टाइगर स्टाइल नोज ग्रिल आपको मिलती है जो कि भाई रहने वाली है क्रोम के साथ, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है, पूरी रहती है ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में, बहुत ही बढ़िया सा लुक लेके आती है। और जो गाड़ी में आपको DRL वगैरह दी जा रही है वो आपको भाई यहाँ से पूरी स्टार्ट मिलती है कनेक्टेड, और यहाँ तक मिल जाती है जो कि भाई कुछ इस तरह से वर्क यहाँ पर करने वाली है, बहुत बढ़िया सा आपको पूरी टाइगर स्टाइल नोज ग्रिल के साथ कनेक्टेड मिलेगी। फ्रंट कैमरा भी आपको मिलता है क्योंकि भाई यहाँ पर आता है 360 कैमरा गाड़ी की, भाई पूरी आप यहाँ पर चेक कर सकते हो ग्रिल के अंदर क्रोम, और ऊपर भी आपको क्रोम मिलता है जो कि रहने वाला है हेडलैम्प से कनेक्टेड। और ये जो हेडलैम्प्स आप देख पा रहे हो यहाँ पर आपको पूरा LED का सेटअप देखने को मिल जाता है, बाकी यहाँ पर आपको DRL मिल जाती है, इंडिकेटर्स आपको मिल जाते हैं यहाँ पर, और नीचे आपको मिल जाती है कुछ इस तरह से फॉग लैम्प की प्लेसमेंट। देखो फ्रंट पार्किंग सेंसर्स भी आते हैं 1, 2, 3, 4, और यहाँ पर आपको एडास वगैरह भी मिल जाता है, तो एडास का रेडार वगैरह आपको यहाँ मिल जाता है, बाकी कैमरा और सेंसर वगैरह आपको पूरे यहाँ पर मिल जाएंगे। फ्रंट हो गया कंप्लीट, ये कुछ रहेगा बोनेट का एरिया, डुअल वाइपर्स आपको मिल जाते हैं जो कि ऑटोमेटिक यहाँ पर रहने वाले हैं, और ये हेडलैम्प्स भी आपको मिलते हैं ऑटोमेटिक, डुअल वॉशर्स भी आपको इसी के अंदर मिल जाएंगे। रूफ़ में आपको मिलता है यहाँ पर पैरानोमिक सनरूफ, रूफ रेल्स पीछे मिल जाता है शार्प इन एंटीना। अब आते हैं साइड की तरफ, देखो ये कुछ आपको नज़र आने वाली है साइड प्रोफाइल। अलॉय का डिज़ाइन आपको नॉर्मल सेल्टॉस से यहाँ पर पूरा ही मिलता है चेंज, क्योंकि इनका डिज़ाइन देखो ड्यूअल टोन में तो है ग्लॉसी है, यहाँ पर आपको भाई क्रोम बढ़िया सा फिनिशिंग मिलती है, यहाँ पर आपको किया का लोगो मिल जाता है, 4 डिस्क ब्रेक्स आपको मिलते हैं, चारों व्हील्स में आपको मिलने वाली है डिस्क ब्रेक जिससे आपको ब्रेकिंग मिलती है काफ़ी अच्छी, JK के टायर आपको मिलेंगे, और जो टायर की प्रोफाइल यहाँ पर रहने वाली है 215/55R18 के आपको मिलेंगे, तो 18 के अलॉयस हैं, बढ़िया सा इनका साइज़ है। और ये कुछ रहेगा फ्रंट का सस्पेंशन ट्रेवल, ये कुछ रहेगा फ्रंट का सस्पेंशन, काफ़ी चौड़ी सी ब्लैक कलर की क्लैडिंग आपको मिलती है कार के 360 जो फ्रंट में यहाँ पर और साइड में भी आप चेकआउट कर सकते हो। फेंडर रहेगा पूरा क्लीन, ये कुछ रहेंगे भाई साइड के मिरर इंडिकेटर्स के साथ में, यहाँ पर आपको मिलती है साइड कैमरे की प्लेसमेंट। पिलर्स की बात की जाए तो ए पिलर है बॉडी कलर पे, बी पिलर आपको मिलता है मैट ब्लैक फिनिश में, ये कुछ रहेंगे भाई क्रोम के डोर हैंडल्स, और ये कुछ रहेगा अंदर कैबिन जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था। अगर डोर पैड की देखो बात की जाए, देखो ये कुछ पूरा मैटी ब्लैक में रहने वाला है, बट यहाँ पर आपको डोर पैड में सॉफ्टेस्ट लेदर फिनिश सिर्फ यहाँ पर मिलेगी, बाकी पूरा हार्ड प्लास्टिक ही रहेगा। बोस के स्पीकर्स आते हैं भाई इस गाड़ी में, और यहाँ पर भी आपको मिल जाती है ट्विटर्स की प्लेसमेंट, और यहाँ पर पॉन्डो कंट्रोल है सिल्वर फिनिश में आपको दिया गया है, यहाँ पर डोर ओपनर लॉक अनलॉक, बाकी ये पार्ट आपको पूरा ही मिलता है ग्लॉसी ब्लैक में। नीचे आपको मिलता है बॉटल होल्डर के साथ थोड़ा बहुत स्टोरेज। इसका प्लेट आपको मिल रही है भाई सेल्टॉस की, यहाँ पर आपको मिल जाता है वेलकम फीचर जो कि रहने वाला है भाई क्रोम के अंदर, बहुत बढ़िया सी फिनिशिंग के साथ, तो ये फीचर आपको दोनों साइड मिल जाता है। और अब बात करते हैं रियर डोर्स की, देखो इस साइड चारों ही डोर्स पे आपको यहाँ पर मिलेगा, तो वेलकम फीचर आपको चारों डोर्स में मिल रहा है, ये फीचर काफ़ी अच्छा सा है, जब भी आप गाड़ी के अंदर बैठेंगे या निकलेंगे आपको बहुत बढ़िया सा फील आएगा।
बाकी रियर डोर पैड भी आप पूरा चेक कर सकते हो, फ्रंट डोर्स की तरह पीछे भी आपको यहाँ पर सॉफ्ट लेदर फिनिश, यहाँ पर आपको ग्लॉसी ब्लैक फिनिश, यहाँ की सिल्वर फिनिश में आपको यहाँ पर दिया गया है डोर ओपनर लॉक अनलॉक, और ये कुछ इस तरह से आपको मिलता है भाई सन प्रोटेक्टर, तो आपको धूप वगैरह में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी, कार के साथ ही आपको मिलेगा, आप इस तरह से हटा सकते हो, इस तरह से इसको लगा भी सकते हो। यहाँ पर आपको बॉटल होल्डर, स्पीकर के प्लेसमेंट जो कि मिलते हैं बोस के। बात करते हैं भाई देखो रियर की सेटिंग की, फ्रंट में तो प्रॉपर आपने चेकआउट कर लिया, लेदर की सीट्स आपको मिल रही हैं जो कि मैं आपको अब यहाँ पर प्रॉपर दिखा देता हूँ। पीछे भी आपको यहाँ पर तीन हेडरेस्ट मिल जाते हैं जो कि भाई दो रहेंगे, और बीच में भी आपको मिलता है छोटा सा जो कि आप बच्चे वगैरह अगर बैठते हैं तो आराम से यहाँ पर बैठ सकते हैं। और जरा बैठ के चेक करते हैं लेग स्पेस कितना मिल रहा है, देखो ये कुछ रहेगा लेग स्पेस बढ़िया सा। सेंटर कंसोल की अगर बात की जाए तो जैसे कि मैंने आपको बताया था प्योरीफायर, स्मार्ट प्योरीफायर है भाई, यहाँ पर आपको वायर प्रोटेक्शन मिल जाती है, दो एसी के वेंट्स जो आपको रियर में मिले हैं इसी से ये हवा निकालता है, बहुत बढ़िया सी एकदम बढ़िया सी फ्रेश एयर आपको मिलती है। चार्जिंग पोर्ट्स की बात की जाए तो पीछे भी आपको भाई यहाँ पर दो टाइप सी मिल रहे हैं, तो आपको भाई लंबे सफर में 2% पीछे आराम से मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं, किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी, बाकी मोबाइल वगैरह आप यहाँ पर रख सकते हो। रियर में आर्मरेस्ट मिलते हैं जो कि भाई इस पन्नी के अंदर है, अभी मैं आपको निकाल के यहाँ पर नहीं दिखा सकता हूँ। हेड स्पेस की अगर बात की जाए तो देखो ये कुछ हेड स्पेस यहाँ पर मिल रहा है, मैं बहुत आराम से कंफर्टेबली यहाँ पर बैठा हुआ हूँ, किसी भी तरह की दिक्कत मेरे को नहीं हो रही है। ये जो हेडरेस्ट ये भी एडजस्टेबल है, अगर मैं चाहूँ तो इसको भी एडजस्ट कर सकता हूँ। ऊपर आपको मिलता है ग्रैब हैंडल, यहाँ पर एक लैंप मिल जाता है, साइड का पूरा डोर पैड आपने देख लिया था। चलो भाई निकलते हैं इस गाड़ी के बाहर। यहाँ पर आपको दिया गया है इसका फ्यूल फिलर कैप, 50 लीटर की आपको मिलती है फ्यूल टैंक कैपेसिटी, पेट्रोल डीजल दोनों ऑप्शंस के साथ में। डोर गार्निश वगैरह भी आप यहाँ चेकआउट कर सकते हो जो कि भाई यहाँ से स्टार्ट होती है क्रोम और कुछ इस तरह से पूरी तक आगे तक जाने वाली है। देखो मैंने रूफ में आपको बताया था भाई यहाँ पर रूफ रेल्स हैं, पैरानोमिक सनरूफ है, पीछे शार्फिन एंटीना वगैरह भी मिल जाता है। अब मेनली हम बात करते हैं भाई इसकी बैक प्रोफाइल की, फ्रंट आपने देख लिया, साइड आपने देख लिया, अंदर का कैबिन भी प्रॉपर चेकआउट कर लिया। बैक प्रोफाइल कुछ इस तरह से रहने वाली है, देखो नॉर्मल सेल्टॉस से ही रहती है, बट यहाँ पर आपको एलईडी में जो ये टेल लाइट ऑफर की जा रही है जो कि कनेक्टेड यहाँ पर रहेगी, देखो इस तरह से ये पूरी कनेक्टेड यहाँ पर रहती है, जहाँ पर आपको मिल जाती है इंडिकेटर्स की प्लेसमेंट। बाकी जो ब्रेक लाइट है, हाई वोल्टेज स्टॉप लैंप, वो आपको ऊपर मिल जाता है स्पॉइलर के साथ में, मिनी स्पॉइलर यहाँ पर रहने वाला है, बट ये बहुत बढ़िया सा लगता है देखने में। डिफॉगर, यहाँ पर आपको वाइपर, किया का मिलता है आपको लोगो, बाकी सेल्टॉस की बैजिंग आपको मिल जाती है। अब जब नीचे की तरफ आओगे तो देखो यहाँ पर ये रहेगी इसकी रिवर्स लाइट, यहाँ पर ग्लॉसी ब्लैक फिनिश, ये पूरा पार्ट आपको मिलता है। यहाँ पर आपको मिलती है भाई रिफ्लेक्टर्स की प्लेसमेंट, चार पार्किंग सेंसर्स आपको पीछे भी मिल जाते हैं स्लो फिनिश की। यहाँ पर भी आपको मिलती है भाई स्किड प्लेट जो कि भाई बहुत बढ़िया सा लग रही है देखने में, बम्पर पूरा रहता है मैटी ब्लैक के अंदर। रिवर्स कैमरा वगैरह जो है वो भाई आपको यहाँ पर मिल जाता है, और बाकी उसी के साथ आपको जीटी लाइन की बैजिंग भी यहाँ पर मिल जाती है। गाड़ी की अगर बूट स्पेस की बात की जाए तो उसके लिए भाई बूट को करना पड़ेगा ओपन, तो देखो यहाँ पर आपको मिलता है एक बटन, दो लाइट के साथ में है क्योंकि भाई नंबर प्लेट आपकी यहाँ पर फिक्स हो जाएगी। और ये कुछ आपके सामने है 433 लीटर का बूट स्पेस, देखो किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगी क्योंकि भाई ये जो फ्लैट है तो आप सामान यहाँ पर आराम से निकाल सकते हो, रख सकते हो। एक स्पीकर भी आपको यहाँ पर मिल जाता है, लैम्प भी आपको मिलेगा, पार्सल ट्रे भी मिलती है इस वेरिएंट के साथ में। 60-40 रेशो में अपनी सीट को फोल्ड कर सकते हो, लीवर वगैरह आपको आगे मिल जाते हैं। और ये जो सीट आप देख पा रहे हैं 60-40, ये बहुत काम आती है, अगर रास्ते में आपको गाड़ी को रोकना नहीं पड़ेगा, अगर आपको बूट से सामान निकालना है तो यहीं से आप फोल्ड करके आराम से निकाल सकते हो। स्पेयर व्हील आपको यहाँ मिल जाता है जिसका साइज सेम तो नहीं है, 215/60/R17 एक इंच छोटा आपको मिलेगा, बाहर 18 इंच के अलावा आपको मिल रहे हैं, बट आपको 17 इंच का स्टीलिंग ऑफर किया जा रहा है स्पेयर व्हील में। ये कुछ रहेगी भाई इसकी राइट साइड की पूरी प्रोफाइल, अलॉय आप पूरे चेकआउट कर सके हो। देखो नॉर्मल सेल्टॉस आपको यहाँ पर मिलते हैं पूरे चेंज, क्योंकि भाई आपके जस्ट बगल में ये भाई देखो इस तरह से कुछ सेल्टॉस यहाँ पर खड़ी हुई है, और ये देखो इसका टॉप रिम। भाई आपने गाड़ी का वॉक अराउंड देख लिया, अंदर का कैबिन भी चेकआउट कर लिया, तो अब हम बात करते हैं भाई यहाँ पर ये गाड़ी जिस चीज़ से भाई चलती है। इस गाड़ी में भाई देखो दो इंजन ऑप्शंस आते हैं, जिसमें से भाई अभी आपके सामने इसका डीजल वेरिएंट है, बट मैं आपको दोनों कंपेयर करके बता देता हूँ। अगर आप पेट्रोल वन परचेज करेंगे तो वहाँ पर आपको 1.5 लीटर का मिलता है, जो भाई प्रोड्यूस करता है 114 BHP की पावर, 144 Nm का टॉर्क। अगर आप डीजल परचेज करोगे तो जो कि आपके सामने है, तो ये भाई प्रोड्यूस करता है 115 BHP की पावर, 250 Nm के टॉर्क के साथ। माइलेज की अगर बात की जाए तो देखो पेट्रोल में जो कंपनी क्लेम कर रही है वो 10 से लेके 15 के बीच में, बट अगर आप डीजल वेरिएंट परचेज करेंगे तो भाई यहाँ पर आपको
15 से लेके 22 तक की माइलेज आराम से मिल जाती है, क्योंकि भाई डीजल वेंट चलाने में मज़ा आता है, उसी के साथ माइलेज भी काफ़ी अच्छी सी देता है। गाड़ी की अगर यहाँ पर सेफ्टी फीचर्स की बात की जाए, देखो स्टैंडर्ड तो 6 एयरबैग्स आ ही रहे हैं, उसी के साथ गाड़ी की जो विथ वगैरह है उसी के साथ इसकी जो बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी सी है, क्योंकि इसकी भाई अभी तक सेफ्टी रेटिंग तो नहीं आई है, बट आपने क्रैश टेस्ट वगैरह देखा होगा, इसके एक्सीडेंट्स वगैरह देखेंगे, काफ़ी हद तक ये अंदर कैबिन में पर्सनस को बचा लेती है। बाकी नॉर्मल से सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं, ABS विद DVD, सेंट्रल लॉकिंग, पावर डोर लॉक, चाइल्ड लॉक, इंजन एम्ब्लॉयजर, क्रैश सेंसर जैसे सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं। लास्ट में अगर प्राइस की बात की जाए, तो अभी आपके सामने इसका GTX प्लस डीजल ऑटोमेटिक वेरिएंट खड़ा हुआ है, आपको 20 लाख रुपए एक्स शोरूम कॉस्ट करने वाला है और लगभग आपको यहाँ पर 23 लाख रुपए का ऑन रोड पड़ेगा। तो भाई अगर आप भी प्लान कर रहे हो किया की कोई भी गाड़ी लेने का, तो आप विजिट कर सकते हो किया बालाजी तेलीबाग लखनऊ, जहाँ पर आपको मिलेगी काफ़ी अच्छी सी डील्स। मैं प्रियंश आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।